अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनिट नंबर 4, हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा, शी वॉज अ बिलवड डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एंड गुड गॉड फियरिंग जेनरस एंड पायस वुमैन। ओके, सो वी हैव नोन अ लॉट अबाउट हर, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर दैट हाउ हैड ही बीन throughout her life, about her dedications, her generosity and her different qualities. So the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his close companion means qareebi dost, companion, saathi, hamrahi, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu माइग्रेट की सेकेंड फॉर्म है, माइग्रेट मीन हिजरत करना, माइग्रेटेड हिजरत की फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्के से मदीने की जानिब इन द ईयर 622 AD, 622 जो वो ईस्वी में, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 622 ईस्वी में मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की। व्हेन द चीफ्स यानी कि सरदार ऑफ वेरियस ट्राइब्स, जो मुख्तलिफ कबीले थे, कबाइल थे जो मक्का के, उनके केम टू नो मीन्स जब उनको पता चला, जब उनको उनकी नॉलेज में आया अबाउट द माइग्रेशन, ये माइग्रेशन जो ये नाउन है हिजरत, हिजरत के बारे में ऑफ द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी कि दे गॉट फ्यूरियस, मतलब गज़बनाक हो जाना, आग बगोला हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। गॉट इसलिए आया कि जब कोई कैफियत तारी होती है ना जिस्म पे, बॉडी पे, तो गॉड आता है। दे गॉड फ्यूरियस, यानी कि वो फ्यूरियस गज़बनाक हो गए, यानी कि जब मक्के के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हिजरत का पता चला तो वो गुस्से में आ गए। द चीफ्स व डिटरमिन पुरअज़्म हुए, अज़्म किया, इरादा किया, मोर देन एवर, यानी कि पहले से कहीं ज़्यादा, टू फाइंड देम आउट, उनको तलाशने की, उनको ढूंढने के लिए, पहले भी थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गए पुरअज़्म। दे ऑफर्ड ह्यूज, उन्होंने पेशकश की एक बड़े रिवॉर्ड्स एंड बाउंटीज़। देखिए, बाउंटीज़ नेमतों के लिए आता है, रिवॉर्ड्स इनामात के लिए आता है। अब ये जब इसको मिक्स पढ़ते हैं, ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा, तो इसको हम कह देते हैं इनाम और सिला, या मालो इनाम और मालो दौलत, आप इस तरह इसको ले लेंगे, इनाम और मालो दौलत, फॉर देयर कैप्चर, उनकी गिरफ्तारी पर, उनके पकड़े जाने पर, डेड और अलाइव, मुर्दा या जिंदा, यानी कि उन्होंने, यानी कि कुफार ने उनकी मुर्दा या जिंदा गिरफ्तारी पर बहुत ज़्यादा इनाम और मालो दौलत की पेशकश की। ओके, आई एम रिपीटिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द चैप्टर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 622 ईस्वी में मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की। जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हिजरत का पता चला तो वो गुस्से में आ गए। सरदार उनको ढूंढने के लिए पहले से ज़्यादा पुरअज़्म हो गए। उन्होंने उनकी मुर्दा या जिंदा गिरफ्तारी पर बहुत ज़्यादा इनाम और मालो दौलत की पेशकश की। द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी, तैयारी इस सफ़र की, वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी कि सफ़र की जो तैयारी थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर हुई। हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा रेंडर्ड, अच्छा देखिए रेंडर्ड को समझिएगा, रेंडर्ड का मतलब होता है पेश करना, देना, डालना, तो रेंडर्ड दी या पेश की, यूजफुल सर्विसेज, कारामद जो है वो खिदमत, मुफीद खिदमत इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, किस सिलसिले में, ये जो माइग्रेशन थी इस सिलसिले में, यानी कि हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस सिलसिले में मुफीद खिदमत अंजाम दी। शी प्रिपेयर फूड फॉर दिस जर्नी, उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक, उन्होंने ऊँट की पुश्त, कैमल बैक ऊँट की पुश्त पे बांध दिया उस खाने को, विद हर ओन बेल्ट, अपने जो उनका पटका था, जो या दुपट्टा था उससे, एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, जबकि कुछ और ना मिला बांधने को, यानी कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने दुपट्टे से खाने को ऊँट की पुश्त पर बांध दिया क्योंकि कुछ और ना मिल सका बांधने को। फॉर द सर्विस, इस खिदमत की बिना पर, शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, अब ये पैसिव वॉइस है पास एंड डेफिनेट का, उनको दिया गया लकब ज़ातुन नातिकीन, ज़ातुन नातिकीन का, बाय द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
यानी कि दो दुपट्टों वाली जातू ना तो कहीं दो दुपट्टों वाली हजरत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जातून ना तो कहीं का इस खिदमत पे नकद दिया, यानी कि सफर की तैयारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रतनों के घर हुई। असमत रहना ने इस सिलसिले में मुफीद खिदमत सर अंजाम दी। आप रजी अल्लाह अन्हा ने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। आपने अपने दुपट्टे से खाने को ऊँट के पुष्ट पे बांध दिया क्योंकि कुछ और ना मिला था। इस खिदमत की बिना पर हजूर करीम वसलम की तरफ से आप रजी अल्लाह अन्हा को जातुन नातकीन यानी कि दो दुपट्टों वाली का लकब मिला। थर्ड पैरा ड्यूरिंग द पैरलस, पैरलस का मतलब है पुरखतर, खतरनाक। पैरलस जर्नी, इस पुरखतर सफ़र के दौरान इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनिमल, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था टू सप्लाई फूड, मुहैया करना, पहुँचाना गज़ा खुराक टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुँचाना इस सफ़र के दौरान, इस पुरखतर सफ़र के दौरान किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम था। द सिचुएशन वो सो डेलिकेट में जो होता है नाजुक हसास, इतनी जो सूरत हाल थी सिचुएशन वो इतनी हसास थी दैट द स्लाइटेस्ट स्लाइटेस्ट में हल्की ज़रा सी भी मिस्टेक गलती कुड हैव एंडेंजर्ड का मतलब है ख़तरे में डाल सकती थी। एंडेंजर्ड मीन्स खतरे में, डेंजर होता है खतरा और डेंजरस खतरनाक, डेंजरसली खतरनाक किसी, एंडेंजर खतरे में डालना, एंडेंजर्ड खतरे में डालना यानी कि पास्ट है, थर्ड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे। द लाइफ ऑफ रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि ज़रा सी भी गलती हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती थी या खतरे से दो चार कर सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली, ये अजीम काम तरह के बहुत बड़ा काम था, इस काम को इस अजीम काम की वॉज नाइसली बड़ी उमदगी से अंडरटेकिंग का मतलब होता है जिम्मेदारी ली, बेड़ा उठाया बाय हजरत असमा रतरान। हाँ हजरत असमा रतरान द डॉटर ऑफ हजरत अबू सिद्दीक रतरान, यानी कि इस अजीम काम का जो है वो हजरत असमा रतरान ने जो जो हजरत अबू सिद्दीक रतरान की बेटी थी बड़ी उमदगी से उसका जिम्मा उठाया या बेड़ा उठाया या जिम्मेदारी ली। एवरी नाइट हर रात विद अ पैक ऑफ फूड, खाने की गठरी के साथ शी वुड क्वाइटली। अब देखिए ये जो वुड है इसको समझिएगा, ये पास्ट के रूटीन को बयान कर रहा है, ये जो वुड है। लेकिन जाती थी, एक काम कुछ अरसे के लिए होता था डेली की बुनियाद पर, इसलिए वुड आया, ठीक है। ये पास्ट के रूटीन को शो कर रहा है ये वुड जो है, वुड क्वाइटली जाए खामोशी से। वेंचर, वेंचर का मतलब होता है टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, जब किसमें कोई ख़तरा भी हो। जब टूवर्ड्स अ रग माउंट, रग मीन्स खुरदरे जो पहाड़ थे, पथरीले पहाड़ थे, उनकी जानब डेरी जाती थी रोज़ाना। इन विच ले द केव ऑफ थोर, ये गारे थोर, थोर को लिखा है एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि टी एच के बाद सा के निकलती है, इसलिए यहाँ पे टी एच आए सा, थोर, केव ऑफ थोर, इसको थोर पढ़ देते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली थोर है, सा की आवाज निकलेगी। अच्छा कि ले क्यों आया, ले का मतलब आपने समझ कि ले वाकई होना, लेट, ले लेटने के लिए भी, बिछाने के लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि गार लंबाई में होता है, इसलिए ले आए वाक़, ठीक है। यानी कि हर रात वो खाने की गठरी के साथ हजरत असमा रतलान खामोशी से एक मुहिमाती, एक पुरखतर यानी कि जो सफ़र था दुशवार वो करती थी और पथरीले पहाड़ों की जानब जाती थी जिनमें गार शोर मौजूद है। शी टुक केयर ऑफ द माइन्यूट डिटेल, माइंड का मतलब है ज़रा सी, हल्की सी, थोड़ी सी भी, छोटी सी भी, माइन्यूट डिटेल्स उन्होंने ख्याल रखा है ज़रा सी भी तफसीलात का। इन एकम्प्लिशिंग द टास्क, एकम्प्लिशिंग यानी कि मुकम्मल करना, उसकी तकमील करना, इस काम की तकमील में उन्होंने ज़रा ज़रा सी भी तफसीलात का ख्याल रखा। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन का मतलब है कितना मुश्किल यकीनन रहा होगा, मस्ट हैव बीन यकीनन रहा होगा, कितना दुश्वार फॉर हर उनके लिए टू ट्रैवर्स, देखिए ट्रैवर्स का मतलब भी यही होता है यानी कि एक दुश्वार सफ़र को करना, एक जगह से एक तय करना, एक रास्ते को तय करना, जबकि एक मुश्किल भी हो, दुश्वारी इसमें कोई ख़तरा भी हो, उस तरह उसको तय करना। ट्रैवर्स द रॉकी पाथ, वो जो पथीला रास्ता था उसे एट नाइट, रात में, कितना दुश्वार रहा होगा। विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बींग डिटेक्टेड, मुस्तकिल जो खौफ था किसका, देखे जाने का, पकड़े जाने का, यानी कि आप रितराना ने के लिए रात के वक्त पथरीले रास्तों पर सफ़र करना जबकि पकड़े जाने का मुस्तकिल खौफ भी हो, कितना मुश्किल रहा हो। ठीक है जी, आई एम रिपीटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। इस पुरखदा सफ़र के दौरान किसी के लिए भी हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुँचाना बहुत मुश्किल काम था, ये इतना नाजुक काम था कि जरा सी भी गलती हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को
खतरे से दो चार कर सकती थी। हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ने बड़ी उमदगी से इस काम इस अजीम काम की जिम्मेदारी ली। हर रात खाने के गट्टे के साथ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु खामोशी से ममाती सफ़र करके या पुरखतर सफ़र करके दुशवार गुजार पहाड़ों जिनमें गारे सूर वाकई है की तरफ जाती हैं। इस काम की तकमील में आप रज़ियल्लाहु ने जरा जरा सी तफसील का भी बहुत ख्याल रखा। आप रज़ियल्लाहु के लिए रात के वक्त पथीरे सफ़र पर सफ़र करना रस्तों पर सफ़र करना जबकि पकड़े जाने का मुस्तकिल खौफ भी मौजूद हो कितना मुश्किल रहा होगा। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन हिजरत की रात ट्राइबल चीफ कबायली सरदार था एक ऑफ द डिसबिलीवर जो कुफार थे उनका उनके जो कबीले थे उनका एक कबायली सरदार था अबू जहल जिसका नाम था इन ए फिट ऑफ फ्यूरी जो है ये फ्रेज है इनके गुस्से के सख्त तैश के आलम में सख्त गुस्से के आलम में फिट बेसिकली दौरे के लिए आता है गुस्से के दौरे में इंतहा गुस्से में गजबनाक हो गए हेडेड टूवर्ड हेड का मतलब चला टूवर्ड्स की जानी हजरत अबूबकर सिद्दीक इतना ना अनहो होम हजरत अबूबकर सिद्दीक रतला अनहो के घर की जानब यानी कि हजरत की रात काफरों के कबीले के सरदार अबू जहल इंतहा गुस्से की हालत में हजरत अबूबकर सिद्दीक रतला अनहो के घर की तारीफ रवाना हुआ। ज़रा गुस्सा था कि हाथ से कैसे निकल गए ये लोग। ही बिगेन टू नॉक उसने यानी कि दरवाजा खटखटाना या धड़धड़ाना शुरू किया एट द डोर वायलेंटली। अच्छा वायलेंटली का मतलब होता है यानी कि फोर्सफुली जो ऐसी फोर्स जिसमें गुस्सा भी शामिल है इसको समझिएगा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड यानी कि उसने जो है वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाना गुस्से में ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाना शुरू कर दिया। एड्रेसिंग हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु से जो है वो खिताब करते मुखातिब करते हुए उसने दरियाफ किया यानी उसने मुतालबा किया कि वेयर इज़ योर फादर तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शी पोलाइटली रिप्लाइड पोलाइटली शाइस्तगी से उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया हाउ वुड आई नो यानी कि मैं कैसे जानूँ। दिस रिस्पॉन्स शोज़ ये जवाब दिखाता है इससे जाहिर होता है द विजडम दानिशमंदी एंड द करेज हौसला ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु उनकी दानिशमंदी और हौसले का मजहर है। उनके हौसले और दानिशमंदी को मतलब ये जवाब दिया उन्होंने वो उनकी दानिशमंदी और हौसले को जाहिर करता है। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू उन्होंने कोई ऐसा जो है वो जुमला नहीं कहा कोई ऐसी बात नहीं की जो उसको किसी किस्म का ज़रा से भी कोई इशारा या सुराग देता क्लू इशारा या सुराग। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन अब पोज की मीनिंग यहाँ पे समझे दाग दिया अचानक कर दिया सिंपली महज काउंटर में जवाबी क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल इन्फ्यूरेट सेकंड फॉर्म इन्फ्यूरेटेड पास्ट फॉर्म है यानी कि उन्होंने महज जवाबन एक सवाल दाग डाला सवाल कर दिया जिससे क्या हो गया अबू जहल सब गुस्से में आ गया इन्फ्यूरेटेड आग लग गई उसको आग भगोला हो गया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु फेस उसने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु के चेहरे पे थप्पड़ मारा सो हार्ड इतनी सख्ती से दैट हर एयर रिंग फेल ऑफ कि उनकी जो बाली थी कानों की वो गिर गई बट शी रिमेन स्टेडफास्ट लेकिन वो साबित कदम रही एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट रिवील मीन्स यानी कि आया करना अफशा करना जाहिर करना द सीक्रेट राज यानी कि उसने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु के चेहरे पर इतने ज़ोर से थप्पड़ लगाया कि आप रज़ियल्लाहु के कानों की बाली गिर गई लेकिन आप रज़ियल्लाहु साबित कदम रही और राज अफशा ना किया। रीडिंग फॉर द बिगनिंग हजरत की हिजरत की रात काफिरों के कबीले का सरदार अबू जहल तय गुस्से की हालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के घर की तरफ रवाना हुआ इसने दरवाजे को ज़ोरों से खटखटाना शुरू कर दिया। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ने से मुखातिब होकर इसने पूछा तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। आपने शास्त्री से जवाब दिया मैं कैसे जान सकती हूँ या मैं कैसे जानूँ ये जवाब हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु की दानिशमंदी और हिम्मत को ज़ाहिर करता है। आप रज़ियल्लाहु ने ऐसी कोई बात न की जिससे उसको कोई इशारा मिलता आप रज़ियल्लाहु ने महज जवाबन एक सवाल दाग डाला जिससे अबू जहल गज़बनाक हो गया इसने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु के चेहरे पर इतने ज़ोर से थप्पड़ लगाया कि आप रज़ियल्लाहु के कानों की बाली गिर गई लेकिन आप साबित कदम रही और राज अफशा ना किया। हर ग्रैंड फादर हजरत अबू कहाफा रज़ियल्लाहु आपके जो दादा थे हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु के हजरत अबू कहाफा वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम उस वक्त तक काफिर थे गैर मुस्लिम थे ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड बहुत बूढ़े थे
और नाबीना हो चुके थे. ही सेड टू हर, उन्होंने अस्मा से कहा, अस्मा आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गए हैं. लिविंग यू मेर चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ. लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ एंड हेल्पलेस, बेयारो मददगार, मजबूर, बेबस. यानी कि उन्होंने कहा कि अस्मा मेरा ख्याल है कि अबू बकर तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ के तमाम दौलत ले गया है. एट दिस इस पर शी इंस्टेंटली फौरन एडवांस यानी कि रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, घर के कोने की जानिब दौड़ी. शी गैदर सम पेपर्स कंकर, कुछ पत्थर कुछ कंकर जमा की. एंड पुट दैम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज टू, जहाँ उनके वालिद, वहाँ उनको जमा कर दिया. जहाँ उनके यूज टू को समझिएगा, ये पास्ट हैबिट को या रूटीन को बयान करने के लिए यूज़ होता है. मॉडल वर्ब है, हुआ करता था, किया करते थे. जैसे आई यूज टू राइट अ पेज डेली, मैं एक रोज़ एक पेज रोज़ाना लिखा करता था. आई यूज टू डू स्विमिंग, मतलब पास को भी आप हैबिट या रूटीन बयान करें, यूज टू आता है हमेशा, फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके बाद. तो हर फादर यूज टू कीप, जहाँ उसके वालिद रखा करते थे. हिज मनी एंड ज्वेल्स, अपने पैसा रकम और जवाहरात. यानी कि जब ये बात उनके दादा ने कही तो इस पर वो फौरन घर के कोने की तरफ दौड़ी गई और आपने कुछ कंकर इकट्ठे किए, उनको उस जगह पर रख दिए जहाँ आपके वालिद अपने दौलत और जवाहरात रखा करते थे. शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, इसको एक कपड़े से ढांक दिया. कम ग्रैंडफादर लुक, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, आइए दादा देखें वो सब हमारे लिए छोड़ गए हैं. ही टच द क्लॉथ, उनके दादा ने उस कपड़े को छुआ. एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्डन ज्वेल्स, और उसको सोने और जवाहरात से भरा हुआ ख्याल किया. हिज कंसर्न वॉज एलिवेटेड, कंसर्न मीन्स उनका तशवीश, उनकी जो एंगजाइटी थी, फिक्र थी. वॉज एलिवेट का मतलब होता है कम हो जाना, रफ़ा हो जाना. वॉज एलिवेटेड, रफ़ा हो गया, ख़त्म हो गया, कम हो गया उनका जो उनकी तशवीश थी. एंड ही फेल रिलीव टू नो, उनको जिस यानी कि इत्मीनान महसूस हुआ ये जानकर, दैट अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु हैड लेफ्ट ऑल इज वेल्थ एट होम, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अपने तमाम दौलत घर पर छोड़ गए थे. सो आई एम रिपीटिंग फ्रॉम द बिगनिंग, क्या आप रज़ियल्लाहु कि दादा हज़रत अबू काफ़ा सोता के गैर मुस्लिम थे, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, नाबीना हो चुके थे. उन्होंने आप रज़ियल्लाहु से कहा कि अस्मा मेरा ख्याल है कि अबू बकर तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयार मददगार छोड़कर तमाम दौलत ले गए. इस पर वो फ़ौरन भागती हुई घर के कोने की तरफ गई. आपने कुछ कंकर इकट्ठे किए, उनको उस जगह पर रख दिए जहाँ आपके अबू अपनी दौलत और जवाहरात रखा करते थे. आप रज़ियल्लाहु ने इसे कपड़े के साथ ढाँप दिया. आए दादा अबू देखें, वो ये सब हमारे लिए छोड़ गए. उन्होंने कपड़े को छुआ और सोचा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ होगा. उनकी तशवीश कम हुई और उन्हें ये जानकर तसल्ली हुई कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अपने तमाम दौलत घर पर छोड़ गए थे. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु वॉज एमंग्स द अर्ली फ्यू, उन चंद शुरू के लोगों में से थी. हु एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. शी वॉज अ डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की बेटी थी. एंड द स्टेप सिस्टर, स्टेप का मतलब होता है सौतेली, सौतेली बहन थी. और हज़रत आशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु हज़रत अबू सिद्दीक की बेटी और हज़रत आशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु की सौतेली बहन थी. शी वॉज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु की अहलिया थी. एंड द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु की वालदा थी. शी डाइड एट द राइप राइप ओल्ड के मतलब पुख्ता उम्र, पुख्ता उम्र में, ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, उन्होंने 100 साल की पुख्ता उम्र में जो है वो वफात पाई. अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु यूज़ टू से, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु कहा करते थे, फिर यूज़ टू आया, यूज़ टू से कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन, कि उन्होंने नहीं देखा था एनीबॉडी मोर जनरस, कोई भी ज़्यादा फयाज एंड ओपन हार्टेड फराख दिल तन जान हज़रत आशा रज़ियल्लाहु अपनी खाला हज़रत आशा रज़ियल्लाहु और एंड हिज मदर, और अपनी वालदा से ज़्यादा. यानी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आशा रज़ियल्लाहु और अपनी वालदा से ज़्यादा सखी और फराख दिल कोई शख्स नहीं देखा था. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु वॉज सो जनरस दैट, अब आप ये देखिए कि वो इतनी यानी कि फयास थी, दैट शी सोल्ड देयर सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन, यानी कि उन्होंने वो बाग बेच दिया जो उनको
वर्षे में मिला, इनहेरिटेड यानी कि वर्षे में मिला, तरक्के में मिला जायदाद की सूरत में, उन्होंने वो बाग बेच दिया एंड गेव अवे, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब बांट देना, बांट दिया ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी, तमाम जो पैसा था रकम थी वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। यानी कि हज़रत आशा रहा जो है हज़रत अशमत राना वो इतनी यानी कि फयास थी, सकी थी कि आपने वो बाग बेच दिया जो आप रतानों को अपनी बहन हज़रत आशा देखा की वफात के बाद वर्षे में मिला था, आपने तमाम दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। नोबडी एवर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा फ्रॉम अ डोर डोर स्टेप मीन्स दहलीज, दरवाज़ा, उनके दरवाजे से, चौकट से, दहलीज से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। हज़रत अस्मत अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, हमेशा वो याद रखी जाएंगी फॉर हर करेज, अपने हौसले, जेनरोसिटी, फयाजी एंड विजडम, दानिशमंदी की वजह से। यानी कि हज़रत अस्मत अन्हा अपनी फयाजी, दानिशमंदी और सखावत की वजह से हमेशा याद रखी जाएंगी। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह, रेजोल्यूट मीन्स मुस्तहकम, और यानी कि पुख्ता ईमान था अल्लाह बुज़ुर्ग की ज़ात आले पे। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बेकन, हमेशा उनकी ज़िंदगी रहेगी बेकन, ठीक है, बेकन को तो पता चिराग रहा ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी का जो चिराग है वो रहेगी फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए, यानी कि आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए हमेशा मशले रहा रहेगी। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर इंशाल्लाह। सो क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज विल बी डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर। ओके, अस्सलाम वालेकुम।